चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता, हमारे चैनल स्प्रेटली अनीता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वेज पिज्जा की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी हमारे देसी ओवन में यानी कढ़ाई में। जी हाँ, आज मैं वेज पिज्जा कढ़ाई में बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी को शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, पिज्ज़ा खाना तो सभी को पसंद है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े। तो आप भी इस लॉकडाउन में बाहर पिज्ज़ा खाने नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आज हम घर पर ही पिज़्ज़ा बनाएंगे और वो भी बिना ओवन और बिना ईस्ट के, बिल्कुल देसी स्टाइल से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज पिज्ज़ा। वेज पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। वेज पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़े कप मैदा, आधा कप दही, 4 चम्मच बटर, 100 ग्राम मोज़रेला चीज़, 4 बड़े चम्मच पिज्ज़ा सॉस, 1 से 2 चम्मच स्वीट कॉर्न, 1 शिमला मिर्च कटी हुई, 1 टमाटर कटी हुई, 1 प्याज कटे हुए, 1/2 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, ऑरिगेनो, मेयोनीज 3 से 4 चम्मच, ऑयल। सबसे पहले हम पिज्ज़ा का बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए हम एक बाउल में मैदा डालेंगे, दही, चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ऑयल। सभी चीज़ों को डालकर हम इसे मिक्स करेंगे और हाथों की सहायता से अच्छी तरह से गूंथेंगे। हमें एक सॉफ्ट और स्मूथ सा डो तैयार करना है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 1 घंटा हो गया है और आटा हमारा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम इसे हल्का सा गूंथने के बाद इसकी लोई बनाएंगे। लोई हम इसे इसी तरह बड़ी साइज में बनाएंगे क्योंकि हमें पिज्ज़ा बेस बनाना है। अब हम इसे बेलेंगे और बेस का आकार देंगे। हमें बेस को इसी तरह मोटा बनाना है, जिस तरह मार्केट में मिलता है बस इसी तरह हमें बेस को तैयार करना है। अब हम लेंगे कोई थाली या इसी तरह का कोई केक ट्रे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हम बेस को बीचों बीच इसी तरह रख कर फैलाएंगे और हाथों की सहायता से किनारे पे गड्ढा बनाएंगे। इसके बाद फोक की सहायता से हम इसमें होल करेंगे। होल इसलिए करेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा फूले नहीं और बिल्कुल मार्केट की तरह बने। और अब हम इसमें बटर लगाएंगे, हाथों की सहायता से या ब्रश से पूरे पिज़्ज़ा पर बटर को फैलाएंगे। बटर लगाने के बाद अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और सॉस को बेस पर इसी तरह चम्मच से फैला देंगे। सॉस लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा चीज़,
यानी मोज़रेला चीज़, और इसी तरह ग्रेट करके पूरे चीज़ को फैला कर डालेंगे बेस पर। चीज़ को आप ज़्यादा या कम अपने पसंद के ऊपर डाल सकते हैं, और फिर डालेंगे हल्का सा ऑरिगेनो। और काली मिर्च पाउडर और शिमला मिर्च इसी तरह कट की हुई लंबे शेप में, इसके बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी इसी तरह लंबे शेप में कट किया है। फिर प्याज, प्याज का भी शेप इसी तरह रहेगा। और इसी तरह सारी सब्जियों को हम बिछा देंगे। और बीचों बीच शिमला मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े भी लगा देंगे। और इसके बाद स्वीट कॉर्न के दाने डालेंगे। और बीचों बीच डेकोरेट के लिए हम गाजर का एक छोटा पीस रखेंगे और हल्का सा काला नमक छिड़केंगे। एक कटी हुई मिर्च डालेंगे हरी, हल्का सा ऑरिगेनो फिर से छिड़केंगे। इसके बाद मोज़रेला चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ को आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। और बन गया हमारा वेज पिज़्ज़ा। अब हम इसे बेक करेंगे। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट करेंगे लगभग 2 कटोरी नमक डालकर। नमक को हम इसी तरह फैला देंगे। और इसके बाद किसी थाली से ढककर हम लगभग 15 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह गर्म हो गई है। अब हम इसमें एक स्टैंड रखेंगे। इसके बाद रखेंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा रखने के बाद हम इसमें डालेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ को हम इसी तरह सेंटर पर गोलाई से डालेंगे। अब हम पिज़्ज़ा को ढक्कन लगाकर बेक करेंगे, वो भी स्लो फ्लेम पर सिर्फ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटाएंगे और पिज़्ज़ा को चेक करेंगे। ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा अच्छी तरह सिक गया है। तो फ्रेंड्स, वेज पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सॉस के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा हमारा देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और घर में बनाइए वेज पिज़्ज़ा, वो भी बिना ओवन और बिना ईस्ट के।
बिल्कुल देसी स्टाइल, वो भी कढ़ाई में। तो आप भी इस सुपर टेस्टी वेज पिज़्ज़ा को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो वेज पिज़्ज़ा रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।